गुड मॉर्निंग, जय मुरलीधर। सो अभी यहाँ पर देखिए धुआं कर दिया है, ये देखो टब में, ताकि सभी को धुआं भी लगता रहे और ठंड भी कम लगे। सो देखिए ये बोरा ही डाल दिया, इसमें खराब हो गया था, तो सो उससे अभी देखिए धुआं जाएगा थोड़ा थोड़ा होके, अभी तो इस तरफ जा रहा है। और ये देखो कितनी शांत बैठ गई है, इसे दूध ज्यादा हो गया थोड़ा सा। ये देखो मुंह में भी चिपका हुआ है अभी, वो भी साफ करने की फुर्सत नहीं है, इतना ज्यादा हो गया है। सो अभी इसे देने में ध्यान रखेंगे, बाकी ऐसा कुछ है देखिए। और ये है हमारा कटड़ा, ये बोरा उसे पूरा बिछा के रखा था, वरना यहाँ पर ठंड लग सकती है इसलिए। इस तरीके से रख दिया था देखो। तो राहुल को पता नहीं है कि हमारी बफेलो ब्याह चुकी है, तो उसे सरप्राइज देंगे। और हमने शाम को बनाई हुई थी बड़ी, तो ये इतनी सारी बच गई है। सो ये सारी अभी राहुल को देख के आते हैं, और वहां से जॉब पे जाना है, सो सीधा वहीं पर निकल जाऊंगा। इतनी बढ़िया सी बनी थी, तो चलो ये बाकी बच्ची राहुल को दे आते हैं साथ के साथ। सो चलो अभी चलते हैं चाचा के घर पे, और यहाँ पर ब्लैक बैग में डाल दिया है मिठाई। सो चलो अभी चलते हैं। तो ये निकल गया ब्रांडिंग का, ऐसे ही बच्चा है, ये ले। सुबह सुबह देखिए होमवर्क करने लग गया है, खोल के एक ले तो खरी। क्या है खा के बता, एक टेस्ट करके बता। बर ये है के हैं बुरी बफेल ब्याह चुकी है। हाँ हाँ, नहीं नहीं सो ये है कीरा की बनी हुई बरी, तुम्हें पता था क्यों छोड़ दी, नहीं पसंद। पपट हो गया राहुल का, बड़ी नहीं पाती तुमको, बड़ी पसंद नहीं है, खिला दी ना तुमको। कटड़ा हाँ ढोरी है पूरी, लेकिन ढोरी पूरी। आज का वीडियो देखा नहीं है ना तुमने, देखना बहुत ही मजेदार होने वाला है। कल सुबह सुबह अब जी चल बाय बाय। सो वापस आ गया हूँ अभी, और आज दवाई भी ले आया, क्योंकि अब तो हद हो गई थी, सर्दी खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सो फाइनली आज दवाई ले आया हूँ। सो चलो अभी कटड़े को कुछ करना है, मतलब उसकी रस्सी में। सो चलो वो आपको बताता हूँ। सो इसे हम भमर कड़ी बोलते हैं। सो ये इसमें रस्सी में डालनी है, पुरानी डाली तो थी लेकिन वो टूट गई, सो कल से वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। सो उस तरीके से रखते हैं तो रस्सी पूरी उखल जाती है, पूरी खराब हो जाती है इसे ऐसे घूमते घूमते। सो चलो ये फिट कर देता हूँ रस्सी में। सो गले में रस्सी बांध दी है देखो, यहाँ से इसमें डाल के। सो अभी यहाँ पर ये वाली पूरी रस्सी है, ये डालनी बाकी रह गई है इतनी लंबी। सो ये चलो यहाँ पर बांध देते हैं, सो कंप्लीट हो जाएगा। सो कंप्लीट बांध दी है रस्सी अब देखिए, और ये थी पुरानी वाली, और इसमें यहाँ का जो होता है वो निकल गया था, ये देखिए ये होता है इस तरीके से यहाँ पर डला हुआ,
इसके अंदर में और यहाँ तक। सो ये निकल चुका था, तो ये ही रहा था सिर्फ। फिर गले में रस्सी थी उसमें ये बांधी थी, अभी ये ले आया हूँ बमर कड़ी, तो अच्छे से बिठा दिया है। देखिए ये वाली कटड़ी को यहाँ पर बांधा है थोड़ी देर के लिए, इसने दूध बहुत ज्यादा पी लिया इसलिए। देखिए कैसे हो गई, वरना तो बहुत उछल कूद करती थी, लेकिन आज इतना उछल कूद नहीं कर रही है। दौड़ती हुई वापस आ गई, देखिए तो अकेले में बस इतना मजा नहीं आ रहा था, तो अभी आ गई दौड़ के यहाँ पर सबके साथ में। तो उसे दौड़ाने के लिए वहां पर ले गया था, क्योंकि आज इसने बहुत ज्यादा मिल्क पी लिया है ये वाली बफेलो का। उसे सीधे थन से नहीं, लेकिन हमने ही दिया था, सो वो सारा पीने लग गई। सो अभी से ध्यान रखना पड़ेगा कितना देना है और कितना पीती है। सो इन सभी को अभी पानी पिला देते है। बफेलो को पिला दिया है, ब्लैक वाली को, अभी बेल को पिला रहा हूं। अभी भूरी को पिलाना बाकी है, सो इसके लिए अभी गुड़ वाला गर्म पानी तैयार कर रहे हैं, सो वो हो जाता है उसके बाद इसे पिलाते हैं। सो गुड़ ले आया हूँ किचन से, अभी इसमें डाल देता हूँ। चलो अभी गर्म पानी ले आते हैं और इसमें डाल देते हैं। वो कम गुड़ था, सो इसमें ज्यादा डाल दिया मैंने। और कल मैंने बाजरी का जो घुघरी था उसमें बोला था गुड़ वो और घी, सो वो घी नहीं था, मेरी मिस्टेक हो गई थी। आज अभी देखा तो यार मुझे माइंड में आया, सो वो था खाद ऑयल, हम जो खाने में यूज करते हैं मूंगफली वगैरह का ऑयल, वो ऑयल था उसमें, सो ऐसा कुछ था। सो चलो अभी इसमें पानी डाल देता हूँ।
तीन डोल दो तीन बाल्टियां पिलानी है, तो चलो अभी पिला लेते हैं। स्वाद तो इतना ही बचा है कांदा, शायद खत्म हो जाएगा शाम होते होते यहाँ से, वहां तो अभी ये ढेर बाकी ही है। सो आज कांधे का काम खत्म होने वाला है, इसलिए नींबू पानी बना के आया हूँ। देखिए मैं, देखिए ये खुशी में नींबू पानी बना के आया हूँ, वो तो पता चलेगा पीने के बाद कैसा। हाँ, सो इसमें शुगर डाली ही नहीं है, अब सबको पता चलेगा कैसा है स्वाद इसका। नमक तो डाला है। हाँ, सो चलो ये सारे में बांट देते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। इस तरफ देखो क्या हुआ, खारूं, खारूं, खारूं। और ये देखो यहाँ पर मेरे पापा का रिएक्शन और मेरे सिस्टर ने तो पूरी तपेली पी ली है। सो अभी मैं ट्राई करता हूँ, नींबू और नमक का ही स्वाद आ रहा है, और बनाया ही ऐसा ही था तो ऐसा ही स्वाद आना था। तो चलो लो पूरा खत्म कर लेता हूँ। मेरा बेटा अभी कितना चालाक है, वो गेट वापस ना उकलता नहीं है, वो शरबत का बाना देके शरबत, वो शरबत नमक डाल के दरिया जैसा बना रही। सो खत्म हो गया है, चलो अभी डूडू इकट्ठा करने में लग जाते हैं, वरना पीते पापा सुना देंगे। तो सुबह बोल रहा था छोटू कि मैं आऊंगा, तो देखिए आ गया है, और ये क्या हरकत है कर कर आ रहा है, देख रहे हो सर का क्या कर रहा है। सो चलो अभी ये सूखा जा रहा है, वो वहाँ पर डाल रहे थे मैं और पापा, सो चलो अभी जल्दी से डाल लेते हैं। राहुल यहाँ बैठ गया, देखिए अभी फाइनली कांधे का काम कंप्लीट हो चुका है। देखिए अभी यहाँ पर ही बाकी रहा है, वो तो अभी शाम शाम को खाने से पहले निकलते रहेंगे। ये देखिए इतना सारा है वो। सो चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, बाय बाय।